तो रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा और गामा, इसके लिए काम करना पड़ेगा, एक क्यूब को कंसिडर करो, क्यूब सॉलिड बॉडी जिसकी लेंथ क्या है एल। आप एक काम करो, इस एल लेंथ का वॉल्यूम निकाल दो तो क्या आएगा एल क्यूब। फिर एक काम करो, इसका टेम्परेचर क्यूब का इंक्रीज कर दो बाय डेल्टा टी, तो इसकी लेंथ बढ़ जाएगी, लेंथ क्या हो गई एल डैश, एल की जगह लेंथ एल डैश। एल डैश क्या होगा एल इंटू वन प्लस एल्फा इंटू डेल्टा टी, तो नया वॉल्यूम क्या होगा वी डैश एल डैश का क्यूब। जब लेंथ एल थी तो इतना वॉल्यूम था, जब लेंथ एल डैश है इतना वॉल्यूम है। एल डैश क्या है एल इंटू वन प्लस एल्फा इंटू डेल्टा टी का क्यूब, तो इसको ओपन करो एल का क्यूब वन प्लस एल्फा इंटू डेल्टा टी का क्यूब, ओपन कर लिया। अब एक काम करो, ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला लगाओ, ए क्यूब बी क्यूब थ्री ए बी इंटू ए प्लस बी, और फिर ये टर्म को भी इन दोनों से मल्टीप्लाई करके पूरा ब्रैकेट एक्सपैंड कर दो, ठीक हो गया क्लियर। तो इसमें मैंने क्या किया, पहले लेंथ एल थी तो वॉल्यूम वी था, मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया, लेंथ एल डैश हो गई, लेंथ बढ़ गई वॉल्यूम भी बढ़ गया, एल डैश ए रहा, तो ये पूरा क्यूब का ओपन कर दो, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब बी क्यूब थ्री ए बी इंटू ए प्लस बी फॉर्मूला है, और फिर इसे ओपन कर दिया, पूरा ब्रैकेट एक्सपेंड कर दिया। अल्फा बहुत छोटा होता है 0.01 0.002 ऐसे, अल्फा बड़ा नहीं होता, पॉइंट्स में होता है। तो अल्फा का स्क्वायर और अल्फा का क्यूब बहुत ही ज़्यादा छोटा आएगा, तो ये अल्फा का स्क्वायर अल्फा क्यूब में हम काम नहीं करते, निगलेक्टेड। तो इन टर्म्स को उड़ा दो तो आपके पास क्या बचा, एक तो एल क्यूब इंटू वन एल क्यूब इंटू दिस टर्म, ये टर्म बच गई। एल क्यूब आपका पुराना वॉल्यूम था वी, तो एल क्यूब की जगह पुराना वॉल्यूम वी, तो यहाँ से वी डैश माइनस वी की वैल्यू ये आ गई। तो मैंने क्या निकाल दिया, चेंज इन वॉल्यूम निकाल दिया, लेकिन जो मैंने आंसर निकाला वो इन टर्म्स ऑफ अल्फा निकाला, अल्फा। अब किसी ने कहा कितना लंबा करने की जरूरत क्या थी, आप सीधा ही फॉर्मूला लगा देते वॉल्यूम का, वी डैश इज वी इंटू वन प्लस गामा इंटू डेल्टा टी, एक ही बारी में आ गया आंसर, लगा सकते हो। तो जब ऐसा लगाओगे तो वी ओपन करो तो क्या आएगा वी डैश माइनस वी, तो आपने एक बार वी डैश माइनस वी निकाला इन टर्म्स ऑफ गामा, और एक बार आपने वी डैश माइनस वी निकाला इन टर्म्स ऑफ अल्फा, है तो वी डैश माइनस वी, दोनों को इक्वेट कर दो, वी डेल्टा टी कैंसल, तो आंसर क्या आ गया अल्फा इज इक्वल टू गामा बाई थ्री। तो एक्सपेरिमेंट तो सेम ही करना पड़ेगा, एक बार लेंथ की तरफ से अल्फा की तरफ से, एक बार गामा की तरफ से, फिर ऐसी एक और स्टेप भी करना बनता है, लेकिन करना की जरूरत नहीं है इसमें, कि अब सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाओ एल स्क्वायर, ताकि बीटा का रिलेशन निकाल सको अल्फा के साथ, करने की जरूरत नहीं है, एक लाइन लिख देनी है सिमिलरली इट कैन बी प्रूव दैट बीटा इज इक्वल टू टू टाइम्स अल्फा या अल्फा इज इक्वल टू बीटा बाय टू। तो आप इसे और इसे कंबाइन कर लें तो क्या आएगा अल्फा इज इक्वल टू गामा बाय थ्री, अल्फा इज इक्वल टू बीटा बाय टू। याद करने का बड़ा आसान तरीका, अल्फा बीटा गामा वन टू थ्री, तो अल्फा बाय वन बीटा बाय टू गामा बाय थ्री, ये प्रूव करने को आ सकता है। और स्पेशली न्यूमेरिकल में वो क्वेश्चन देगा वॉल्यूम का, वॉल्यूम में आपको चाहिए होगा गामा, वो जान के आपको देगा अल्फा, वो इसलिए ताकि आप गामा यहाँ से थ्री इंटू अल्फा से गामा निकाल सकें, तो ये स्टेप एक्स्ट्रा होगा इसमें।